नींबू का पेड़ है भैया। हेलो, अच्छा किस रेट में है ये? हा? किस रेट में है, है ये नारंगी है कि ये तो नींबू? अच्छा 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 रोज है क्या आपके पास? एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे ही होंगे। आज मैंने अपने गार्डनिंग के पीछे बहुत मेहनत किया है, जो है सीजन के अकॉर्डिंग मेरे इंडोर प्लांट का समय आ गया है, तो मुझे आज बहुत मेहनत करनी पड़ी उनको लेके। उनको मैंने रिपोर्ट किया है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं वीडियो नहीं बना पाई जो है किसी कारणवश, नहीं तो आप देखते कि मैं कितना मेहनत करती हूँ इन प्लांट के पीछे। ये है गाइस, ये रिपोर्ट, ये है मेरे प्लांट है, ये मेरा एरिका पाम है। मैंने एक ही अभी रिपोर्ट किया है, जो है अभी जो है और भी हैं दो तीन, तो एक एक करके कभी किसी को कभी किसी को मैं अपने हिसाब से रिपोर्ट किया करती रहती हूँ। और जो है माली वगैरह मुझे पसंद नहीं आते हैं, मुझे लगता है कि मेरे जैसा काम वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं खुद करती हूँ। मुझे किसी पे यकीन नहीं होता है अपने पौधों के लिए। ये मेरा दूसरा पेड़ है, इंडोर प्लांट ये भी है, इसका नाम मुझे नहीं पता है और बाद में मैं बताऊंगी आपको इसका नाम। ये दूसरा मेरा बेला है, बेला है, इसमें जो है पत्तियाँ इसकी गिर चुकी हैं, तो अभी जो है ये न्यू पत्तियाँ आएंगी। इसको मैंने अच्छे से कट कर दिया है, अब इसका सीजन आ गया है, पूरे गर्मियों फूल देता रहेगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और इसके फूल से इतनी अच्छी खुशबू आती है कि हवा में जो है ये खुशबू बिखेरते हैं चारों तरफ। ये मेरा मनी प्लांट है, सारी वेराइटी है मनी प्लांट के। ये दूसरा मनी प्लांट है, ये भी मनी प्लांट का वेराइटी है। ये सब ये देखिए, इसे मंजिला पोथी भी बोलते हैं, बहुत कीमती मनी प्लांट होता है ये महंगा मिलता है नर्सरी में। इस तरीके से एक मेरे पास ये बरगद का पेड़ था, दीवार में लगा हुआ था, तो मैं इसको ले आके एक गमले में रिपोर्ट कर दी हूँ। इसको मैं बोनसाई बनाने के विचार में हूँ, बोनसाई प्लांट अच्छा लगता है घर में, और ऊपर से बरगद का पेड़ तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये मेरा है नींबू का, नींबू छोटे से गमले में लगा हुआ था, तो मैंने इसको निकाल के बड़े से गमले में, देखिए 20 इंच का गमला है, इसमें मैंने रिपोर्ट किया है इसको, क्योंकि ये उसमें सर्वाइव ही कर पा रहा था, अच्छे से अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मुझे इसको इसमें रखना पड़ा। बाकी इस तरीके से बाकी तो मेरे पौधे अभी वो सब चल ही रहे हैं, सीजन वाले सारे अच्छे से चल रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है, ये मेरे पौधे काफ़ी खूबसूरत गुड़हल, देखिए सीजन के हिसाब से गुड़हल आजकल इंडोर में होता है, लेकिन मेरा ये गुड़हल इतना अच्छा चला है कि पूरे सीजन इसने फूल दिया है, पूरे सीजन। वाकई में जो है लोग बोलते हैं गुड़हल ठंडियों में नहीं चलता, लेकिन पूरे सीजन चला है ये, बल्कि नहीं चला, दूसरे भी नहीं चले। ये मेरा गेंदा है, कितना सुंदर खिला हुआ है, ये भी पता नहीं कहाँ से अपने आप सीड्स आए और पेड़ भी निकल आए, मुझे खुद नहीं पता। वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है ये। ये जो है देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल आए हुए हैं, अभी भी इसमें फूल कम से कम 15 दिन से खिल ही रहा है, अभी खिल नहीं पाया है पूरी तरीके से, कितना बड़ा इसका फूल होगा ये देखिए। इस तरीके से मेरे सारे प्लांट लगे हुए हैं, ठंडियों की वजह से प्लांट में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई, सब रुक गए थे एक ही जगह पे। ये देखिए ये मेरा एजेलिया प्लांट था, ये मेरा गड़बड़ निकला, सर्दियों के हिसाब से सही रहता है लेकिन यहाँ पे जो है नहीं चलता है ज़्यादा अच्छे से, तो अब मैं दोबारा एजेलिया नहीं खरीदूँगी, महंगे भी मिलते हैं, प्लस इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ये बर्फीली जगह के लिए अच्छा माना जाता है। ये मेरा वो है पिटूनिया, पिटूनिया प्लांट मेरे कई इस बार ख़राब हो गए थे, यही तीन बचे हुए हैं अभी, ये देखिए अच्छे से खिल रहे हैं, लेकिन ये सारे इस तरीके से। आज मेरा नर्सरी जाने का मूड है, तो गाइस मैं चलती हूँ नर्सरी, तो आज मैं अपने घर के पास वाली नर्सरी में जाना चाहती हूँ,
तो देखती हूँ कितने तरह के फूल आए हुए हैं या नहीं आए हैं, जाने के बाद ही पता चलेगा। तो आप सब बने रहिएगा, आपको मैं दिखाऊंगी जाके वहाँ जो है नर्सरी में पौधे अच्छे मिल जाते हैं तरह तरह के। इस समय तो सीजन चल रहा है फूल पौधों का, तो चलते हैं। तो गाइस हम नर्सरी आ गए हैं, अब चलिए आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या है क्या नहीं। देखिए ये है प्लांट, ये सारे इंडोर प्लांट नर्सरी में चल गए हैं। ये नींबू का पेड़ है भैया, हेलो। अच्छा किस रेट में है ये, किस रेट में है ये? नारंगी है कि ये तो नींबू? अच्छा 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 रोज है क्या आपके पास? ये गुलाब है ये? क्यों भैया, हेलो भैया, ये कौन कौन से गुलाब है? ये इंग्लिश गुलाब है। कौन से कलर है कुछ पता है? इसमें अभी नहीं पता चलेगा। आप यहाँ जब आते हैं तो आप कंफ्यूज रहते हो। ये क्या है? ये तो सनफ्लावर है? ये नहीं सनफ्लावर, नहीं वो है डहेलिया। डहेलिया, इसमें भी कलर नहीं बता पाओगे? येलो कलर है, ये देखिए ऑरेंज कलर है, कितना सुंदर है यार। कलर को नहीं पता होगा ना भैया? अच्छा गेंदा आपने हटा दिया क्यों? क्यों भैया गेंदा हटा दिया? बहुत ज़्यादा कलेक्शन इनके पास नहीं है। ये कौन सा प्लांट है यार, ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये खिलता नहीं जो गुलाब के जैसे? अच्छा नहीं नहीं वो तो नहीं है ये भाई, उसका नाम कुछ और है। अरेलिया क्या बोलते हैं? अरेलिया नहीं, ये इसको क्या, इसका क्या नाम है? अस्टर। ये क्या रोज इस पे खिलता है फ्लावर? ये सीजन का ही है। अच्छा ये देखिए डहेलिया मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन कलर की कन्फ्यूजिंग है, पता नहीं कौन सा कलर है। ये देखिए चांदनी है, मिनी चांदनी। इधर आओ देखते हैं, ये पिटूनिया, पिटूनिया है ये, पैंजी। बहुत कलेक्शन इन्होंने हटा दिया हमको लगता है, पहले कितना बड़ा था इनका गुलाब।